नमस्ते दोस्तों, आप एक बात खुद सोच के देखिए। अपने आप से खुद से एक सवाल कीजिए। जो भी आप व्हीकल चलाते हैं, स्कूटर, ये वो, बाइक, कार, उसमें अगर आप पेट्रोल या डीजल के बदले केरोसिन डाल दोगे तो कैसा होगा उसका अंजाम, वो आपको पता है। चलो केरोसिन छोड़ो, पेट्रोल और डीजल में भी आप मिक्सिंग वाला पेट्रोल और डीजल डालोगे तो भी आपको पता है उसका आउटपुट क्या आने वाला है। काला धुआं बाहर आने वाला है, धीरे धीरे इंजन की लाइफ ख़त्म हो जाने वाली है। ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो अपने व्हीकल में, तो आपने सोचा है कि यही पूरा साइंस हमारे बॉडी पे भी काम करता है। हमारी बॉडी भी एक ऑटोनोमस ऑटोमोटिव मैकेनिज्म की तरह काम करती है। जो भी हम खाते हैं, जैसा हम भागते हैं और वैसा ही हम निकालते हैं, वैसा ही हम आगे टिकते हैं। सो हमारा खाना कितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके व्हीकल के लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। पर व्हीकल तो खैर कभी ना कभी हम छोड़ सकते हैं, पर क्या आप अपना ये बॉडी छोड़ना चाहते हैं? हाँ, एक दिन ज़रूर सबको छोड़ना है, पर सुख शांति से छोड़ना है, काम करते करते छोड़ना है, ना कि पीड़ा में, ना कि बीमारी की हालत में आपको अंत समय देखना है। और ये सभी सोच रखते हो तो सबसे पहले आपको आगे निकलना है तो दोस्तों आपको जैविक आहार ढूंढना होगा, क्वालिटी फूड, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपके अंदर संचलन होगा, सारी चीज़ें चलेगी। केमिकल खाएंगे तो केमिकल प्रोड्यूस होगा, उसका रिएक्शन होगा, और नेचुरल एंजाइम्स जाएंगे तो नेचुरल एंजाइम्स पॉजिटिव 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 बनेंगे। ये बॉडी साइंस है, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए एट द एज ऑफ 35 आई केम टू नो अबाउट What is the importance of natural food for our life, for our generation? इसीलिए मैंने ये स्टार्टअप तो शुरू कर लिया कि मेरी लाइफ को, मेरे परिवार वालों को जैविक आहार का आधार दे सकूँ और साथ में कई परिवारों को दे सकूँ, वो कोशिश कर रहा हूँ। पर आप लोगों को YouTube पे मैं बार बार इसीलिए बताने आया करता हूँ कि आप खुद सोचो, जैसा खाएंगे वैसा ही आपका दिमाग चलेगा। क्योंकि व्हीकल में पेट्रोल डलता है तो वो भागता है, और उसको आप जैसे चलाते हो वैसा वो चलता है। उसका काम क्या है? भागना। तो आप खाते हो तो आपकी बॉडी फंक्शन करती है, अब आप कैसे भगाते हो वो आपके ऊपर है। सो केमिकल वाला फूड जो है ना, वो आपको रॉन्ग वे ही भगाता रहेगा हमेशा। है डेफिनेटली हम फाइट कर सकते हैं, हम रेजिस्ट कर सकते हैं, पर इन अ लॉन्ग टर्म इट इज़ गोइंग टू मेक यू अ लूजर कहीं ना कहीं, और आज की डेट में वो बढ़ रहा है। इसीलिए जैसा आप खाओगे वैसा ही आप पाओगे, जैसा हम आहार लेंगे वैसा ही हमारा विचार होगा, जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, दुनिया में वैसा ही हम व्यवहार करेंगे, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा प्रचार होगा। मतलब जिस तरह के हम व्यवहार करेंगे वैसा हमारा प्रचार होगा। हम नेगेटिव बातें करेंगे, केमिकल वाले रिएक्शन की बातें करेंगे तो लोग हमें वैसे ही कंसिडर करेंगे। हम अच्छी पॉजिटिव और सात्विक बातें करेंगे, अच्छी डिरेक्शन में सोचेंगे, फोकस और गोल की बातें करेंगे, एक दृढ़ता, निश्चयता, शांति, सब चीज़ की बातें करेंगे, वो लोग सात्विक आहार से ही आ सकते हैं, तो उनका प्रचार भी वैसा होगा। जैसा प्रचार होगा वैसा ही व्यापार होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब तो कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो ये सारा ग्रोथ भी हमारा फूड पे टिका हुआ है, ये मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैंने मेरे परिवार वालों के लिए तो ये स्टार्टअप शुरू कर लिया। आप लोगों के लिए मैंने ये यूट्यूब के ज़रिए डिटेल देना शुरू कर दिया। आपका काम है, अगर आपको नेचुरल फूड को आपका आधार बनाना है तो आप अभी से अपने आसपास में फार्मर्स को पहले ढूंढिए। ऑर्गेनिक स्टोर से मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक स्टोर में क्या पूछना है खरीदते वक्त वो आगे मैं आपको वीडियो दूंगा, पर अभी आप सबसे पहले अपने गांव के किसानों को सपोर्ट कीजिए। उनको बोलिए अब बिना केमिकल उगाएंगे तो हम सब खरीद लेंगे, गेहूँ चावल ये सब तो आप साल भर का खरीदते हो, वो सीधा किसानों से खरीदिए। और नहीं किसानों से खरीदना है तो बीच में सॉर्टिंग यूनिट होते हैं जो क्लीन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो जेन्युइन सप्लायरों से खरीदिए जो सिर्फ ऑर्गेनिक किसानों को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को जब तक आप अपने आसपास ढूंढोगे नहीं, गौपाला और गौशाला को ढूंढोगे नहीं, तब तक आपको जैविक आधार नहीं मिलेगा दोस्तों।
डॉक्टर मदर की चैनल से मैं आपको ये जैविक आधार ढूंढने के लिए गुजारिश करता हूँ। आपका परिवार सुख शांति से पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है, निकलना चाहता है और एक पॉजिटिव थॉट पे अपने ग्रोथ चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपना खाना धीरे 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 जैविक की ओर ले जाना चाहिए। मतलब पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, ये सबसे रहित जो खेती गऊ आधारित होती है वो खाना अगर आपको मिल गया तो दैट इज़ योर बेस्ट फ्यूल फॉर योर लाइफ। एवरी डे यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सो, धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। यूं ही ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें करने आया करूँगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ भी शेयर करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के कहिए। जय गौ माता।